हेलो विद्यार्थी, मैं चनो सुनोत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि न्यूटन और डाइन के बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो न्यूटन और डाइन के बीच जो संबंध है वो दोनों बल से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बल का जो एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर इसको आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहें, या फिर आप इसको न्यूटन कहते हैं, ठीक है। बल का जो खोज किया था वो न्यूटन है, इसीलिए इसका नाम रख दिया ये न्यूटन, ठीक है। बल का जो एसआई मात्रा हो गया वो न्यूटन, बल का खोज करने वाला कौन था, वो न्यूटन था, ठीक है। तो बल का जो एसआई मात्रा देखिए कैसे निकाला जाता है, वो भी आपको थोड़ा सा स्टेप में बता देते हैं। बल को हम F से डिनोट करते हैं, जिसको हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। F इक्वल टू जो होता है एम ए होता है, और ये क्या है, मास है। अब मास का सही मात्रक क्या होता है, वो केजी होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर केजी और इनटू ये क्या है, ये क्या है, त्वरण है। और त्वरण को का चाहिए, मतलब त्वरण का जो सही मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम इसको इनटू करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बल का एसआई मात्रा क्या लिखे थे, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम सिद्ध करके भी दिखा देंगे कि के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि मास का जो एसआई मात्रा होता है वो के जी होता है, और त्वरण का जो एसआई मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों को इंटू किए तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका संबंध तो जान गए न्यूटन का, बल का संबंध है, और डाइन देखिए, डाइन का ई एसआई मात्रक होता है, ये सी जी एस ई मात्रक होता है, सी जी एस, ठीक है। डाइन का सी जी एस मात्रक जो होता है वो बल का होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए हम बल करते हैं, बल का सी जी एस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। बल का सी जी एस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। इसको हम डाइन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का सी जी एस मात्रक जो होता है, सी जी एस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन बराबर कितना हम लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी को ग्राम में बदल दे क्या होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 5, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको आप डाइन भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर, यहाँ पे 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर डाइन, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे शेयर कीजिए। थैंक यू।